हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू मिनी व्लॉग। और आज हम बनाने वाले हैं छास वाली आलू की फलारी सब्जी। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके लिए हमें बॉयल आलू चाहिए, सिंगदाने का बुक्का चाहिए, नमक चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, जीरा चाहिए और कड़ी पत्ता चाहिए, और चाहिए ग्रीन मिर्ची। और हाँ, सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है छास। हमें छास चाहिए, थिक वाली छास। तो जो दही की कटोरी थी उसी पर मैं उसको छास बना दी। अभी हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। फटाफट से जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारी सब्जी। सो गाइज, अब हमने डाला जीरा, कड़ी पत्ता तेल गरम होने के बाद। उसके बाद हमने जो आलू थे बॉइल्ड वो डाल दिए, और आलू के जो पीसेस है ना उसको थोड़ा हम लोग मैश भी कर देंगे ताकि सब्जी थोड़ा थिक बने, ज़्यादा लिक्विड जैसी ना बने। तो मैं हाथ से मैश करके भी डाल रही हूँ वो सारे आलू के जो पीसेस थे, बॉइल्ड आलू के पीसेस थे। और अच्छे से हम सारे आलू के पीसेस डाल देंगे। देखिए, मैं उसको थोड़ा हाथ से मैश कर करके भी डाल रही हूँ। सो गाइज, अब मैं डाल रही हूँ सिंग दाने का बुक्का। उसको अच्छी तरह डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद हम डालेंगे नमक, नमक डालेंगे और फिर डालेंगे हम ब्लैक पेपर। बस ये दो मसाले ही जाएंगे इसके अंदर। सिंग दाने का भुक्का, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमको सब्जी को मिक्स कर देना है। अब जो छास हमने रेडी करके रखी थी वो हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर बॉयल आने देंगे छाछ डालने के बाद, अच्छे से मिक्स करके। सो हमारी सब्जी रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे कच्ची हरी मिर्च, और गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती। और बस हमारी सब्जी रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।